अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कैबिनेट मंत्री सिंधिया ने आशीर्वाद के दौरान मोटक्का पुल से किया मां नर्मदा का अभिषेक पूजन। नर्मदा पुल से नर्मदे हर के जयघोष के साथ निकला यात्रा का काफिला। निमाड़ क्षेत्र के कुछ शहरी और ग्रामीण इलाके उस समय भगवामय हो गए जब बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा का काफिला निमाड़ क्षेत्र में पहुंचा, जहां भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। दरअसल खरगोन जिले के ग्राम बेड़िया के समीप योद्धा बाजीराव पेशवे की समाधि स्थल के अंतर्गत करोड़ों रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्य करने की स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी है, जिसकी समीक्षा और जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान और श्री सिंधिया उक्त आयोजन में उपस्थित हुए। आपको बता दें कि इस आयोजन की व्यवस्थाओं को लेकर जहां तमाम प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी विगत कुछ सप्ताह से रावरखेड़ी में व्यस्त हैं, वहीं बलवाड़ा, बड़वाह, सनावत, बेड़िया के समस्त भाजपा नेता और कार्यकर्ता अपने नेताओं के स्वागत और उनकी जन आशीर्वाद यात्रा की व्यवस्थाओं में व्यस्त थे। रावरखेड़ी स्थित बाजीराव पेशवा की समाधि पर होने वाले इस कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिला प्रभारी मंत्री कमल पटेल, जिला अध्यक्ष राजेंद्र राठौर सहित अन्य भाजपा नेता की उपस्थिति में जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ हुई, जो बेड़िया सनावत होकर मोरटक्का पहुंची, जहां कैबिनेट मंत्री सिंधिया ने मोरटक्का पुल से मां नर्मदा का अभिषेक पूजन किया, जिसके बाद यात्रा का बड़वा क्षेत्र में आगमन हुआ, जहां करीब 30 स्वागत मंचों से पूरे जोश खरोश के साथ भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने श्री सिंधिया का स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान शहर के जय स्तंभ चौराहे स्थित भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर के नेतृत्व में यात्रा का पुष्प वर्षाकर स्वागत किया गया, जहां नेता और कार्यकर्ताओं का उत्साह देख मंत्री सिंधिया मंच पर पहुंचे, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेता मंडल अध्यक्ष श्री तोमर और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें वजनी माला पहनाकर मां नर्मदा जी की तस्वीर भेंट की। बता दें कि इंदौर रोड स्थित काटकूट फाटे पर भी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण काग द्वारा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया, जहां से श्री सिंधिया की आशीर्वाद यात्रा निकली वह मार्ग फ्लैक्स बैनर और स्वागत मंचों से घिरा नजर आया, लेकिन इस यात्रा के दौरान उन लोगों के मंसूबे पर पानी फिर गया जो श्री सिंधिया की एक झलक देखने के लिए कई घंटों इंतजार कर रहे थे। यह इसलिए क्योंकि रावरखेड़ी से निकली यात्रा के दौरान समर्थकों की भीड़ और वाहनों की कतारों के बीच कई व्यक्ति श्री सिंधिया के चेहरे की झलक नहीं देख पाए, जबकि कुछ मंचों पर ही श्री सिंधिया उपस्थित हुए, बाकी समय अपने वाहन में सवार होकर आगे बढ़ते रहे। डिजियाना न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट, बड़वा।